फॉर द CSS जर्नी व्हाट आर नाउ डूज एंड द डोंट्स। देखें डूज यही है कि अल्टीमेटली आप को वाट एवर द डिग्री यू आर परस्यूइंग इन यूनिवर्सिटी आर द कॉलेज लेवल या बाहर से भी डिग्री कर रहे हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एक्सप्रेशन। लिखना आपको पड़ेगा और उसको अच्छी तरीके से लिखें, एवेल्यूएशन आप ज़रूर करें। सेकंड, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी रीडिंग में अच्छे से किताब जो है जो आपके CSS सब्जेक्ट्स में आपको कंपलसरी में भी हेल्प करवा लें और आपको अल्टीमेटली सच सब्जेक्ट्स आर द बुक्स सॉरी हेल्प यू इन योर ऑप्शनल्स, तो वो भी आप परसू करें, उनको भी पढ़ें ताकि आपके पास अच्छे से आइडियाज़ आ जाएं। और थर्ड चीज़ जो है वो कंपनी कोई अच्छी रखें, कुछ अच्छे दोस्त रखें, ऑप्टिमिस्टिक हों और वो भी इसी जर्नी में आपके साथ हों और आपको डीमोटिवेट न करें। आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ वहाँ से ड्राइव, आप इफ़ यू आर ड्राइविंग पॉजिटिव एनर्जी फ्राम सच फ्रेंड्स फ्राम सच सर्कल, सो उनके साथ आप रहा करें। और अपने एक छोटा सा घर में लाइब्रेरी बनाएं, क्योंकि लाइब्रेरी आपका एक छोटी किताब भी होंगे, फोकस वहाँ पे रहें, क्योंकि घर में लोग अगर पढ़ते हैं तो घर में ना पढ़ें तो बेहतर है, या घर में एक माहौल आपको मिल रहा है, कोई अच्छा सा कोई लाइब्रेरी है, कोई सेटअप है, कोई सेपरेटेड एक प्लेस एंड पोजीशन है तो वहाँ पे आप पढ़ लें, या तो आप कोई जो है ना लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करें। और इसमें अल्टीमेटली ये है कि डोंट टेक साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर, बी रिलैक्सड, बी ह्यूमन बीइंग, कोई आप कोई रोबोट नहीं है और अच्छी सी आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह द लक वुड बी इन योर हैंड्स।